बाज ने फोड़ा चीनू का गुब्बारा। देखो बाज राजा, मेरे पांच रंग बिरंगे गुब्बारों को देखो। ओ ओ बाज, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने एक गुब्बारा फोड़ दिया। माफ कर दो चीनू, इन डंकों को देखो, इन्होंने ही तुम्हारा गुब्बारा फोड़ा है। मेरे पास पांच गुब्बारे थे, अब मेरे पास सिर्फ चार हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि तुमने एक गुब्बारा फोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तो पांच गुब्बारों में से चार रह गए। ओ ओ, क्या हुआ मीनू? इस प्लेट में चार बिस्कुट थे, वह कौवा एक ले गया। ओ नहीं, अब यहाँ सिर्फ तीन बिस्कुट हैं। हाँ बस, अब बची सिर्फ तीन बिस्कुट, तुम भी एक बिस्कुट खा सकते हो। ओ, अब ये दो रह गए। हाँ, ये कम हो गए, जब तुम ले लेते हो तब कम हो जाते हैं। मीनू, तुम भी एक बिस्कुट खाओ, अब प्लेट में सिर्फ एक बिस्कुट है। सुनो, इसमें बहुत मजा है, क्या हम ये निकालने का खेल खेलें? बस जब हम कोई संख्या निकाल देते हैं तो इसे घटाना कहते हैं। घटाना? फुट्टा, वह क्या होता है? देखो, राजा के पास पांच हड्डियां हैं। अगर मैं एक निकाल लूं, तो उसके पास सिर्फ चार हड्डियां रह जाएंगी। हम कह सकते हैं पांच घटा एक बराबर चार। यह क्या है? यह निशान है, इसे घटाना कहते हैं। ओ, तो हम कह सकते हैं पांच घटा एक बराबर चार। ठीक कहा बस। देखो यहाँ कुछ कंचे हैं, तुम गिनकर बताओगी कितने हैं? मैं कर सकता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। यहाँ सात कंचे हैं मीनू। ठीक कहा। अगर मैं तीन कंचे ले लूं, कितने बच जाएंगे? ओ ओ बस, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस गिनो कि कितने बच गए। मुझे पता लग गया चीनू, एक, दो, तीन, चार, तो चार कंचे बच गए। तो हम कह सकते हैं सात घटा तीन बराबर चार। यह ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सात घटा तीन बराबर चार। ओ, अब मुझे पता चला, मेरे पास चार फूल हैं। एक फूल खो गया, तो अब मेरे पास बचे तीन फूल। मैं कह सकता हूँ चार घटा एक बराबर तीन। बस तुम तो बहुत होशियार हो, अब तुम घटाना भी सीख गए। आओ चूजों को दाना दे। मीनू, मुझे चूजे गिनने दो, एक, दो, तीन, चार, पांच।
एक भाग रहा है, उसे पकड़ो पकड़ो। ओ ओ बस, तुम चूजे के कान के पास भिनभिना रहे थे, इसीलिए वह दूर भाग गया। यहाँ 5 चूजे थे, अब सिर्फ 4 चूजे बचे हैं। सुनो बस, हमें चूजों की एक कविता आती है, आओ अब चूजों की कविता बोलें। 6 छोटे चूजे चले आगे पीछे, एक कूदा पानी में, 5 रह गए पीछे। 5 छोटे चूजे चले आगे पीछे, एक दौड़ा दरवाजे से, 4 रह गए पीछे। 4 छोटे चूजे चले आगे पीछे, एक छिप गया पेट के पीछे, रह गए केवल 3। 3 छोटे चूजे चले आगे पीछे, एक आया तुम्हारे पास, 2 रह गए पीछे। 2 छोटे चूजे चले आगे पीछे, एक लगा दौड़ने, 1 रह गया पीछे। 1 छोटा चूजा इधर उधर देखे, भागा माँ के पीछे, 0 रह गए चूजे। ओ मीनू चीनू, यह बहुत अच्छी कविता थी। अब मुझे भूख लगी है, आप केले खा लें। देखो यहाँ 9 केले हैं। लो चीनू और मीनू, तुम एक एक केला लो। मैं भी एक ले लेता हूँ। बस हमारे पास 9 केले थे और 3 चले गए। 3 कैसे? चीनू ने एक खा लिया, मीनू ने एक खा लिया और मैंने भी एक खा लिया, तो 3 केले खत्म हो गए। क्या तुम बताओगे कि बाकी कितने बचे? मैं कर सकता हूँ, मुझे गिनने दो। 1, 2, 3, 4, 5 छः केले बचे, तो 9 घटा 3 = 6। ठीक कहा बस। यह आवाज कैसी है? ओ राजा, यह तुमने क्या किया? उसने घड़ा तोड़ दिया, वह दौड़ रहा था। वह दादी माँ का घड़ा था, उनके पास 4 घड़े थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। तुमने गलती से ऐसा किया, मैं दादी माँ को बताऊंगी। कोई बात नहीं राजा, मैंने आज 1 गुब्बारा फोड़ा और तुमने 1 घड़ा तोड़ा। मैं कंचों से खेलने जा रहा हूँ। फुट्टा मीनू, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? चीनू, तुम्हारे पास 5 सुंदर रंग बिरंगे कंचे हैं, क्या तुम मुझे 1 दे दोगे? नहीं बस, मुझे उनकी जरूरत है, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। बस चीनू के पास 5 कंचे हैं, वह तुम्हें 1 भी नहीं दे रहा, तो उसके पास अब भी 5 कंचे ही हैं। तो अगर तुम किसी संख्या से 0 निकालते हो, तो तुम्हारे पास वही संख्या रह जाएगी। मुझे पता है, मैं बताता हूँ, 5 × 0 = 5। ठीक कहा बस, 5 × 0 = 5, 8 × 0 = 8,
3 × 0 = 3। सुनो, घटाने में बहुत मजा आता है। मीनू, क्या हम और करें? चलो इधर उधर देखते हुए थोड़ा और खेलें। देखो, पेड़ पर 9 पक्षी बैठे हैं। 3 उड़ गए। कितने रह गए? 6 पक्षी बचे। तो 9 × 3 = 6। इन 5 मेंढकों को देखो, 3 पानी में कूद गए। अब कितने रह गए? 2 मेंढक बचे। तो 5 × 3 = 2। बस तुम्हारे पास 7 फूल हैं। मैंने 3 फूल ले लिए। कितने बच गए? 4 फूल बचे। तो 7 × 3 = 4। चीनू, रुको रुको, मुझे मेरे फूल चाहिए। इनमें बहुत सा शहद है। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आओ अब घटाएं। 4 × 1 = 3। पाँच × 3 = 2। छः × 2 = 4।8 × 5 = 3। सात × 4 = 3। नौ × 5 = 4। क्या हम नीचे दिए अंकों को मिलाएं? 5 × 2 = 6 × 2 = 4 7 × 4 = 3 8 × 3 = 5। नौ × 2 = 7 7 × 1 =
6, 9 घटा 0 9 5 घटा 3 2 6 घटा 2 4 7 घटा 4 3 8 घटा 3 5 9 घटा 2 7 7 घटा 1 6 9 घटा 0 9 आओ फिर से मिलाएं। छः घटा तीन तीन सात घटा चार तीन सात घटा पांच दो चार घटा दो दो पांच घटा एक चार आठ घटा चार चार आठ घटा तीन पांच पांच घटा शून्य पांच पांच घटा चार एक नौ घटा आठ एक छः घटा तीन तीन सात घटा चार तीन सात घटा पांच दो चार घटा दो दो पांच घटा एक चार आठ घटा चार चार
8 घटा 3 5। पांच घटा शून्य पांच। पांच घटा चार एक। नौ घटा आठ एक। दोस्तों, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? घटाने का खेल खेलो, यह मजेदार है। अलविदा दोस्तों।